डाली डाली फूलों की। यहाँ पे हर दिन लोग पालक ही खा रहे हैं फिर है। ऑर्गेनिक खेती है जाए। ऑर्गेनिक एकदम। ये मम्मी खुद चुकी है बागान में। बादलों के उड़ के उड़। नाम क्यों? क्या है? नाम क्यों? मेरे उत्तर नाम क्यों? नाम क्यों? हाँ? गोहियो? यो गोहू? ललित ललित है ललित ललित जल हाँ ललित है ललित जेठ हाँ हो नन येरा जेठ मैं हूँ गोकुल 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 ये में जो आने गए जो रह रहे बुढ़ा गए बुढ़ा गए बुढ़ा गए आए थे अभी 2 महीने पहले यार लंब मोह हो क्या गोल मोह हो अब बाबू हो जाओ माँ चुके हैं अम्मा से अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं अम्मा सब अम्मा यहाँ बैठी है फिर से हमारे साथ और यहाँ पे आप देख रहे हो हरी सब्जियां कितनी सारी उगा रखी हैं वाओ आम ओ आम कैसे हो आम कैसे हो अम्मा को सुनाई नहीं देता दूर से तो उसको काफी जोर से बोलना पड़ता है अम्मा बहुत खुश है और इस बार मेरी वाइफ को याद कर रही है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आई करके और मेरे को भूल गई है मेरे को पहचान नहीं पा रही है तो अम्मा कह रही कौन है ये मम्मी यहाँ बैठी हुई है हाँ मम्मी ने अभी इसको दिया है बिस्किट बहुत खा लिया इसने तो यहाँ पे भी इतने सारे ये मैं क्या पालक है क्या पालक है नहीं ये पालक है और ये राई सो गाइस इतने बड़े बड़े पालक हमारे वहाँ तो काफी छोटे हो रखे इतने बड़े बड़े हो रखे हैं ना वहाँ पे भी है ना अच्छा ये वाले अच्छा तो ये मटर है ये पालक है ऊपर ही पालक है वहाँ पूरे पालक ही पालक है हर जगह तो यहाँ पे अभी काफी सारी ये क्या ये किसने बनाया अच्छा तो गाइस ये है अम्मा यहाँ रहती हैं और ये है पुराने जमाने टाइप के घर और आज भी ये इतने मजबूत हैं तो ये है सीढ़ियाँ देखो पहले सीढ़ियाँ ऐसे हुआ करती थी और यहाँ पे ऐसे हुआ करता देख रहे हो आप ये था मतलब पहाड़ी घर जिसे कहते हैं ना ऐसे घर हुआ करते थे और यहाँ पे अम्मा सोती हैं और ऐसे घर हुआ करते थे और ऐसे लॉक हुआ करते थे ऐसे ये लॉक लगाने वाले तो ये घर है ये काफ़ी पुराना घर है और ये अम्मा का किचन है तो ये अम्मा यहाँ पे जाती हैं और ऐसे घर हुआ करते थे गाइस आज वो टाइम नहीं है आज वो टाइम चला गया अब लेकिन आज भी अम्मा ने ये सब चीज़ें यादें ताज़े कर रखी हैं अम्मा की ये फेवरेट जगह है जहाँ अम्मा बैठती हैं और अम्मा यहाँ से देखती हैं सबको कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया गाइस ये है ऐसे घर होते हैं गाइस पहाड़ी घर ऐसे होता है जब आप देख रहे हो ना इतना काला ये कितना सदियों पुराना होगा ये क्या सदियों पुराना जब से इन्होंने रखा है ये ऐसी कैसी और सोचो यहाँ स्नोफॉल भी होती है और एक बार भी फ़र्क नहीं पड़ता घर के अंदर पूरा फर्क नहीं पड़ता तो ये है सीढ़ियाँ सब सीढ़ियाँ हैं और इतने अच्छे डोर ये ऐसे डोर होते हैं ऐसे डोर होता है तो
इसी साइड में यहाँ पे अम्मा की गाय भैंस वगैरह रहती है इस एरिया में अंदर। और ये डोर बंद करने का तरीका होता है, फट्टा आगे फिर फट्टा आगे, तो ऐसे बंद डोर होते हैं। तो एक ये एरिया, यहाँ पे पालक उगा रखे हैं, काफ़ी पालक काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। और ये घर है काफ़ी सुंदर, काफी अच्छा घर बना रखा है। और यहीं से दिखता है आपको हिमालय, ये देखो। और यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल भी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है कि जिसकी हद नहीं। और क्योंकि यहाँ से हिमालय एकदम साफ दिख रहा है गाइस, एकदम साफ। आपको मैं दिखाऊंगा ना, यहीं से आप जाओगे ना तो आप हिमालय तरफ पहुंच जाओगे। वो देखो पूरा हिमालय, यहाँ पे भी लोग काम भी कर रहे हैं। और अम्मा ने काफ़ी सारी फसलें उगा रखी है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है गाइस। ऐसा होता है घर, घर पहाड़ी पहाड़ी जैसे कहते हैं ना, वो पत्थरों का घर, वो ये घर है। तो अम्मा ने आज भी वो सब यादें ताज़ा कर रखी हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के कि अम्मा ने आज भी ये सब अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आज भी सारा काम करती है घर का। आप व्यू चेक कर सकते हो, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अभी, काफ़ी सुंदर लग रहा है। उस साइड से पूरा पहाड़ दिखाया जाता है। और ये रास्ता है मम्मी का, ऐसे मम्मी ये नाम अम्मा का जाने का, ये पूरा रास्ता है। यहाँ पे हम बहुत आए हैं, देखो गाइस क्या सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ ठंड बहुत होती है एज़ कम्पेरिजन, अगर बात करूँ पापा के वहाँ पे, तो यहाँ ठंड बहुत होती है क्योंकि हिमालय पास में, यहाँ ठंड बहुत होती है। यहाँ रोड भी आ गई अब पूरी, अभी काफ़ी हरियाली हो रखी है अभी। और प्रधानमंत्री योजना ने हर जगह वॉशरूम बना दिए। चाय बन गई मम्मी हैं? हाँ चाय बनाइए फ्राई पहाड़ी स्टाइल क्लास में। मैं कह रही हूँ उस टाइम मैं दूसरा था, आप दूसरा हूँ। तू जो आने गया है तो तू कौन ना बन जाना है? कौन जा जा हमारे आप बाबू आने जा रहे हो? हाँ क्या मजा। अच्छा वैसे अम्मा कह रही है, अम्मा कह रही है पहले जैसा था अब वैसा हूँ नहीं, अलग हो गया हूँ मैं। ये है गांव का स्टाइल बैठने का। अम्मा का स्टाइल लगा लो बनियान। कहाँ पे है, कहाँ पे अम्मा बनियान कहाँ है? ये है ना अम्मा श्री। पहला चुप हो है मेरा खिलाफ है, चुप आ रहा है। अब वो हाउ गूगल पे जी रहा हूँ। अच्छा आप खेल रहे हैं? मैं खेल रहा हूँ बनियान बनियान जागोड़ा है वे। हाँ हाँ छोटे क्यों क्या ये? कमल कहाँ है? कमल ये कमल थोड़ी है। नहीं कमल है, कमल कमल तो फौज में है। नहीं आएगा
कहाँ पे? यहीं पे, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन कौन थे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। क्यों ना, क्यों ना ये मैंने वहाँ पे हमने मोबाइल में ले जाना बहुत सारे दो चार मेरे मेरे उत्तराखंड क्या हम लगा लो बनीन बनीन जो रहो बनीन यो पुराना हो कौन लगा लो लगो बजा रहो लगा 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 बनीन जा ठंडा जब बनीन लगा लगा जा आजा लगा कोड़े पे ये कोड़े पे लगा पे लगो जा लगा ठंडा है क्यों जाओ जाओ लगा क्यों यो कहाँ बाजे बक्से के अंदर आपकी तरह है पूरी मज़ा जाए जाए लगा है जाए ठंडा होगा तो बता भाई ऐसा क्या करने ले हो अमरीका ठंडा हो ना यार क्या ना है नवीन भैया का होगा मम्मी ने कल क्या किया पता है? ताई के वहां से भी वो तो धनिया वो भी तोड़ दिया ताई के वहां से। मिट्टी अच्छी ठहरी जिन्ना तो भाई क्या खुशबू आ रही है धनिया की तो पत्ता पत्ता आता है उसमें। हाँ वो तो है। यहाँ पे नहीं हो गया ना माल्टा वहाँ कितना हो गया माल्टा है ना। ओहो नहीं दो पेड़ है वहाँ माल्टा है ना जो काफी हरा दिख रहा है अभी वहाँ माल्टा तोड़ेंगे बहुत सारे वहाँ माल्टा ये मम्मी खुद चुके हैं बागान में एक
खाली अम्मा ओ आम ये पूरा खाली होने वाला अब ये पूरा खाली करने वाली है मम्मी अब ये पूरा खाली हैं क्यों है तो मैं काम ना होने हो मैं कह रहा हूँ कि मम्मी अब पूरा खाली करने वाली है काटने वाली पूरा है पूरा खाली ही रहे हैं पूरा खाते ही क्यों है मैं काम ना होने हो क्यों है तो मम्मी अभी सारा सामान काटने वाली है आपकी राई वाई सब अच्छा हाँ आपके लिए नहीं बचने वाला अब मम्मी सबकी मम्मी होते हैं ना है ना अपना नहीं खा के ले जा भाई सब ले जा तू ये लो फ्रेश एकदम राई है ना ये शाम को बनाना इसके रही सोच रहा मैं यहीं बच जाता हूँ तो यहीं बच जाता है ये सोचो ये यार घर वाले जा रहा है ये क्या सुन रहा है क्या वो है बोले बोले जाने माला क्या कौन सी माला चांदी चलो ये ठोल लो अच्छा अरे ओहो ये कौन जो मेल अब आज ले जी ये जा पाम हो वो है बोले बोले जा क्यों नहीं ना कोई बात नहीं क्या करना ये पालक मम्मी काफी टाइम पे उन्होंने किया होगा ना जमा दिया होगा ना तब जाके इतने बड़े हुए पालक नहीं रहे वो कह रहा हूँ मैं पालक तो वो है अच्छा यहाँ पालक का हमेशा ही होता है क्या यहाँ पे हमने काफी सारे हरी सब्जियाँ उगा रखी हैं इतनी सारी की बड़े बड़े हो रखे हैं वो ये पालक एकदम फ्रेश मम्मी वहाँ पूरा बागान खाली करने में लगी हुई हैं यहाँ से पूरा पालक अच्छा ये पालक काट दिया है क्या ये देखो पूरा पालक देखो यहाँ से लेकर ये आ गया चुन्नू ए चुन्नू ए खरगोश ये पालक काट दिया है ना अभी ये वाला इतना एरिया काटा हुआ है ये अच्छा 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 हाँ पालक खा रहे खाद था ना खाद हाँ अब मैं कह रहा था कि खाद को हटा दो बाद में तुमको मैं पालक बोऊंगा पालक का सब्जी खाओगे कोई हटाने को अच्छा यहाँ से खाद मूली नहीं है मूली मूली भी नहीं बोई है मूली नहीं बोई ना यहाँ पहले माल्टा के पेड़ थे माल्टा के पेड़ कहाँ गए सारे सूख गया था ना सूख गया पूरा दूसरा लगा रखा है इसमें तो उगा ही नहीं कुछ दूसरा लगा है इसमें था पहले ये पूरा खाली है कुछ है ही नहीं इसमें नया है ना अच्छा नहीं आया वहाँ तो बहुत उग रखे हैं पीछे ऊपर भी काफी सारे उग रखे हैं ऊपर से आते आते ना काफी सारे उग रहे हैं माल्टा ही है एक तो माल्टा है एक दूसरा है दो तीन किस्म का है दो तीन किस्म के हैं खट्टा है वो हाँ हाँ माल्टा ही तोड़ा मैंने तो कागजी नींबू जैसा है वो हाँ हाँ कागजी नींबू भी नहीं है वो अच्छा वैसी है ऐसी वैसी है गोल नारियल का जैसा दाना है गोल अच्छा 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 तो वो साला वो खट्टा बहुत है अभी ऊपर ही थे माल्टा के पेड़ ऊपर ही माल्टा के पेड़ भी लगे हुए हैं ऊपर ना तोड़ के लेके आए फिर तो उन्होंने बोला तोड़ के ले जाओ जितने चाहिए यहाँ पे भी लगे हुए हैं पीछे गुनी मौसी किधर है ना है ना
बढ़िया। इतनी फ्रेश सब्जी कहाँ मिलेगी बताओ यार, कहीं नहीं मिलती वहाँ पे ना। घर में वहाँ घर गए जी, वहाँ पे है ना, बट ये सब्जियाँ छोटी छोटी हो रखी हैं अभी, पालक हाँ बहुत छोटी हो रखी हैं। वहाँ गए थे शिखर भंडार, गए थे शिखर भंडार तो भंडार गए थे तो वहाँ पे वहाँ से लेके आए थे हम ये पालक वालक। अच्छा वहाँ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं ना। हाँ पूरा पालक की है, बहुत अच्छा हो रखा है उधर, तो वहीं से लेके आए। अच्छा वही है आपका, बहुत अच्छी जगह है। नीचे है ना जो बीच में बीच वाला मकान है जो मंदिर से सामने दिखाई देता है नीचे, वही वही मेरा ननिहाल है। बहुत अच्छी जगह है, मैं फर्स्ट टाइम गया था उधर। चल चिंटू तोड़ दिया मैं पूरा है। देखो कैसा ही लग रहा है, वाह। तो अभी सूर्यास्त होने वाला है, टाइम हो चुका है, अभी आ गया है पिल्लू। ए ये काटेगा उसे, नहीं नहीं खरगोश। अरे मतलब यहाँ पे हर दिन लोग पालक ही खा रहे हैं फिर है। ऑर्गेनिक खेती है ये, ऑर्गेनिक एकदम एकदम प्योर, एकदम प्योर ना। इसमें खाद वाद नहीं था कुछ नहीं, खाली एक गोबर जो है बस हो गया। वहाँ से लेके आए थे हम वो ना शिखर भंडार। अच्छा शिखर भंडार गए थे वहाँ से लेके आए, इतने बड़े बड़े पालक हो रखे थे उधर। अच्छा तो कितना 50 रुपए गट्ठी दिया उधर। हाँ दो गट्ठी ऐसे नहीं जाते। अरे वहाँ गए थे ना तो मैंने कहा इधर पालक दिख रहे हैं करके ले ले। भंडार भंडार शिखर तो ऊपर उठा रहा वहाँ, वहाँ तो बहुत मेरी हिम्मत ना। हाँ जाएंगे वगैरह वगैरह सब दिखता है। ये बर्फ कहाँ पड़ी हुई है, ये बर्फ कौन सी जगह है जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, ये कौन सा ये कुछ जगह है कहीं, गांव है वहाँ पे कहीं? गांव नहीं है यार, कुछ नहीं है नीचे एक गांव छोटा सा, बस यहाँ तो वो भी है रिसोर्ट भी है वो इसके नीचे वो छोटा सा दिख रहा है ना हिमालय के पीछे। यहाँ पे वो मंदिर है क्या वो देवरा मंदिर है बहुत पुराना। अच्छा रिसोर्ट भी है, रोड जाती है वहाँ रोड। अच्छा देखने लग गया। अच्छा 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 अभी आऊँगा ना मैं जैन में दोबारा, फिर से जाऊँगा एक बार। कब? अभी जनवरी में आऊँगा दोबारा 5 तारीख को ना। अच्छा अच्छा हाँ रवि तो नहीं आएगा बट मैं आ जाऊँगा। अरे तो आते मार्च अप्रैल में आती ना घर, मैं तो आता ही आऊँगा, मेरे को टेंशन नहीं है। वहाँ शो धारा बोलते हैं वहाँ मेला होता है ना। हाँ वहाँ जाते हैं पूरा गाँव आने वहाँ भी। अच्छा अच्छा जैसे शरीर आती है। अच्छा श्री नदी है ठंड काफी होगी ना ठंड। वहाँ फिर वो आगे ग्लेशियर आ जाते वहाँ गए थे। ये आए कौन वहाँ पे ना पूरे बे फिर था ये था तो कजाखान भी खाने भी गए। सॉरी बढ़िया ना रहे उड़ियान तो अच्छा हुआ खाण पीण पीता है रोज है 3 टाइम। हाँ मामा बैठे हैं काउडियर में ये रही मामा। ये थैले में ही आएंगे सारे ना, ये थैले में ही आ गया यार। अरे बाजार दे देना मैंने। अच्छा चल जा बाजार दी रान वाले वापस दिया कौन है। अभी शाम हो गई है फिलहाल अभी, और शाम में कितना सुंदर व्यू लगता है मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये ऊपर भी सारे गांव हैं, ये मम्मी की जानकार है सारे ऊपर।
और यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है। अभी शाम होते होते ठंड भी काफ़ी हो रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ठंड स्टार्ट हो जाएगी। डर डूब गया ठंड स्टार्ट, और ठंड इतनी गंदी होती है यहाँ पे कि दिल करते दाँत भी। ये कितना अच्छा लग रहा सनसेट, दिखाओ आपको, देखो ये देखो, वाओ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अम्मा से कुछ करते हैं बातें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।